Sarah! हे वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिल्मी माइंड्स में। तो लीजिए दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए हॉलीवुड की 10 बेहतरीन मूवीज लेकर आ गया हूं, जो कि हमेशा की तरह यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल हैं। और ये सारी की सारी मूवीज बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, इसलिए इनमें से एक भी मूवी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारी लिस्ट में कौन कौन सी मूवी शामिल है और इनमें से आपके लिए कौन सी मूवी बेस्ट रहेगी, यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखिए कि ये मूवीज यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड की जाती है, जिस वजह से ये मूवीज यूट्यूब से कभी भी रिमूव हो सकती है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप इन मूवीज को एंजॉय कर लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक भी कर देना, ताकि आपके लिए ऐसी बेहतरीन मूवीज लाने का मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट में 10th नंबर पर आती है 2010 में फैंटेसी एडवेंचर पर बेस्ड मूवी द लास्ट एयरबेंडर। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी कि अर्थ पर अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग नेशंस हैं, जैसे कि वाटर, अर्थ, एयर और फायर नेशन, और इन सभी के पास अपनी अपनी पावर्स है और अलग अलग नेशन में रहते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जब फायर नेशन के लोग बाकी के नेशंस पर कब्जा करने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद कहानी फोकस करती है एक 12 साल के लड़के के ऊपर और उसके पास होते कुछ स्पेशल पावर, जिसकी मदद से वो ही फायर नेशन को रोक सकता है। तब ऐसे में आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आप इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लिस्ट में 9th नंबर पर आती 2013 में हॉरर एडवेंचर पर बेस्ड मूवी दी ग्रीन इन्फर्नो। वहीं इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.3 की रेटिंग दी गई है। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी कुछ दोस्तों की, जो कि प्लेन से कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनका प्लेन एक जंगल में क्रैश कर जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जब उस जंगल में कुछ कैनिबल्स उन्हें पकड़ लेते हैं, और कैनिबल वो लोग होते हैं जो इंसानों को खाते हैं। तब ऐसे में आगे उन लोगों के साथ क्या होता है, क्या वो लोग वहां से बचकर निकल पाते हैं या फिर नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने लिए, तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लिस्ट में 8th नंबर पर आती 2014 में फैंटेसी रोमांस पर बेस्ड मूवी ब्यूटी एंड दी बीस्ट। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.4 की शानदार रेटिंग दी गई है। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी एक गांव की, जहां पर लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही होती है, और गांव वालों का मानना ये होता है कि जंगल के पास में जो बीस्ट रहता है वही लोगों को मार रहा है, जिसके बाद कहानी फोकस करती है बेल नाम के एक लड़की के ऊपर, जिसकी मुलाकात एक दिन उस बीस्ट से हो जाती है और उसे ये पता चलता है कि दरअसल वो बीस्ट किसी को भी नहीं मारता, जिसके बाद वो दोनों मिलकर रियल मर्डरर को खोजने की कोशिश करते हैं। अब मूवी आगे की स्टोरी क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। लिस्ट में 7th नंबर पर आती 2015 में एक्शन कॉमेडी पर बेस्ड मूवी हु एम आई। वहीं इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.1 की रेटिंग दी गई है। जानता हूं कि मूवी की रेटिंग थोड़ी कम है, लेकिन मूवी काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है, जहां पर स्टोरी फोकस करती है ली नाम के एक डिलीवरी मैन पर, जिसे एक दिन कुछ क्रिमिनल मारकर ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं, क्योंकि वो एक मर्डर होते हुए देख लेता है, जिसके बाद ली को एमनेसिया की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन वो क्रिमिनल सभी भी ली के पीछे पड़े हुए, तो ऐसे में ली के साथ आगे क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। लिस्ट में 6th नंबर पर आती 2021 में एक्शन एडवेंचर पर बेस्ड मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस 9। वहीं इस मूवी को IMDb तरफ से 5.2 की रेटिंग दी गई है। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी एक बहुत ही खतरनाक साइबर टेररिस्ट की, जो कि हाल ही में जेल से भाग चुका है, जिसके बाद कहानी फोकस करती है डोमिनिक के ऊपर, जिसे उस टेररिस्ट को पकड़ने का मिशन दिया जाता है। तब ऐसे में आगे इस कमाल की मूवी में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। लिस्ट में 5th नंबर पर आती 2015 में हॉरर फैंटेसी पर बेस्ड मूवी हाउल। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.4 की रेटिंग दी गई है। वहीं इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी कुछ लोगों की, जो कि ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जब उनकी ट्रेन एक सुनसान जंगल के बीचों बीच फंस जाती है, जहाँ पर उनके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक वेयरवॉल्फ टाइप का क्रिएचर अटैक कर देता है। तब ऐसे में वहाँ से कौन कौन जिंदा वापस लौट पाते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
लिस्ट में फोर्थ नंबर पर आती 2011 में एक्शन साइफर पर बेस्ड मूवी ग्रीन लैंटर्न, और इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 5.5 की रेटिंग दी गई है। वहीं इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी हाल जॉर्डन नाम के एक टेस्ट पायलट की, जिसे हाल ही में एक रिंग मिलने की वजह से वो एक सुपर हीरो बन जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जब पैरालॉक्स नाम का एक बहुत ही खतरनाक विलेन इस पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की कोशिश करता है। तब ऐसे में हाल जॉर्डन पैरालॉक्स को कैसे रोकता है, ये सब कुछ जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की, और अगर आप लोग को सुपर हीरो वाली मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। लिस्ट में थर्ड नंबर पर आती 2007 में हॉरर थ्रिलर पर बेस्ड मूवी ट्रिक और ट्रीट, और इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 6.7 की रेटिंग दी गई है। वहीं इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी हेलोवेन नाइट की, जहां पर कुछ सीरियल किलर हेलोवेन नाइट का फायदा उठाकर लोगों को मार रहे होते हैं। तब ऐसे में लोग उनसे कैसे बचते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। तो अगर आप लोग को हॉरर सीरियल किलर वाली मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। लिस्ट में सेकंड नंबर पर आती 2022 में एडवेंचर कॉमेडी पर बेस्ट मूवी सोनिक दी हेजहॉग 2। तो अगर आप लोगों ने सोनिक दी हेजहॉग पार्ट 1 देखा है तो आपको पता ही होगी, सोनिक अपने प्लेनेट से अर्थ पर आ जाता है, जिसके बाद उसका सामना होता है यहाँ पर एक पागल साइंटिस्ट से, जो उसे पकड़कर उसके पावर्स का गलत यूज करने की कोशिश करता है, और लास्ट टाइम सोनिक उसे डिफीट कर देता है। लेकिन उसके बाद की स्टोरी क्या होती है वो आपको इस पार्ट में पता चलेगा। तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर आती एक और 2022 में एक्शन एडवेंचर पर बेस्ड मूवी टॉप गन मैवरिक। वहीं इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 8.7 की शानदार रेटिंग दी गई है, और ये मूवी भी हाल ही फिलहाल में अभी रिलीज हुई है, तो इसी वजह से इस मूवी को अभी तक मैंने भी नहीं देखा है। लेकिन आईएमडीबी की रेटिंग को देखकर बता सकता हूं कि मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो इस मूवी को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां जाके आप इस मूवी को फ्रीली एंजॉय कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही अगर इन सभी मूवीज में से कोई भी मूवी आपके देखने से पहले रिमूव हो जाते तो आप उसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और बेहतरीन मूवीज के साथ।